हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप सबके काम आएगा। तो इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी एक कार है जो काफ़ी ख़राब हो चुकी है और मुझे उसे स्क्रैप में बेचना है। तो मैं सोचा उसे स्क्रैप में बेचना है तो हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि इसमें एसी है जो वर्किंग कंडीशन में था उस समय। तो इस कार एसी को मैं रूम एसी में कन्वर्ट करता हूँ, तो उस पर ही मेरा ये वीडियो है। तो आप सबको अच्छा लगेगा कि कार एसी को हम रूम एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो पूरी उसकी मेथड है। और उसके बाद मैंने उसमें ये भी एनालिसिस करने वाला हूँ कि वो कितना वाट कंजप्शन करता है और कूलिंग उसकी कैसी है, कितना रूम को अपना चिल्ड कर सकता है या ठंडा कर सकता है, और मैं उसको दिन भर चलाता हूँ तो कितना वाट कंजप्शन होगा, लाइट बिल कैसा रहेगा। तो वो सारी बातें मैं उसमें ऐड करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें। पहले हम इसका एसी निकाल लेते हैं। तो एसी निकालने के लिए मैंने एक कार के मैकेनिक को बुलाया है ताकि वो एसी इसका निकाल दे, क्योंकि एसी निकालने के लिए हमें इसका डैशबोर्ड वगैरह सब खोलना पड़ता है, तो वो बड़ा टाइम लगता है उसमें। और मेरे पास वैसे टूल्स भी नहीं है एक्चुअली, तो मुझे अगर निकालना है तो उसके लिए मुझे मार्केट से पहले टूल्स ख़रीदने पड़ेंगे, फिर मुझे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि इधर कहाँ बोल्ट लगा हुआ है, तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। इसलिए मैंने कार मैकेनिक को बुला लिया, वो मुझे एसी निकाल के दे देगा, और वो एसी निकाल के देने के बाद बाकी का जो आगे का काम है वो मैं करूँगा। तो कैसे उसमें रूम एसी में कैसे कन्वर्ट करना है, तो पहले हम एसी निकाल लेते हैं। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लेते हैं। कॉल के आइलिंग बिलिंग करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, जाम हो गया, खड़े खड़े जाम हो गए। तो अब ये देखिए, पूरा हमने कार में से एसी पूरा पार्ट्स हमने कार के एसी का निकाल लिया है, जिसमें ब्लोअर है, हीटर है, कूलिंग कॉइल है, कंडेंसर है, हीटर है, और उसका जो ये कंडेंसर है, ये ब्लोअर है, ये ब्लोअर है, और ये जो है कंप्रेसर है, और वो जो है उसका कूलिंग फैन, ये रेडिएटर यानी कि कंडेंसर। तो ये ऑलमोस्ट एसी के सारे पार्ट्स हमने कार में से निकाल लिए हैं। और ये कूलिंग कॉइल है, तो सारी चीज़ आ गई है। और ये हाँ, ये उसका कूलिंग का जो है, कूलिंग कॉइल इसको बोलते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस अब हम शुरू करते हैं। ये एक कार का एसी है, ये कार का एसी है जो मैंने पूरा खोल लिया है, और इससे मैं अभी एक रूम एसी बनाने वाला हूँ। तो ये कार के एसी को मैं रूम एसी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। कुछ ये एसी का जो है, ये सारे पार्ट्स है, कंप्रेसर है, और ये जो है कूलिंग है, फैन है, उसका ब्लोअर हीटर भी लगा है, कूलिंग फैन है, और ये जो है आप ये देख रही है कंडेंसर। तो ये टोटल कार का एसी का पूरा, ये कार का पूरा एसी है, जो कार जो मेरी पूरी ख़राब हो चुकी थी, जंग खा चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, और मुझे वैसे भी स्क्रैप में बेचना है। तो मैं सोचा कि इसका एसी को रूम एसी में बना के देखते हैं, कैसे हम रूम एसी बनाते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये कार के एसी को एक रूम एसी में कन्वर्ट करने वाला हूँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और सबके लिए अच्छा है, काम का है। और एक्चुअली सारे पार्ट्स बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक एसी के पार्ट्स को मैं अभी सब क्लीन करने वाला हूँ और सबके बारे में डिटेल जानकारी भी देने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं ब्लोअर से। ये इसका ब्लोअर है, इसको खोल के हम साफ करते हैं। ये जो है एसी का ब्लोअर है, ठीक है, इसमें ये फैन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन इसमें लगा हुआ है, ये फ़ैन है इसमें जो हवा फेंकता है। और ये देखिए, ये कूलिंग का जो है, ये हीटर है, ये इसमें रेडिएटर का गर्म पानी जाता है, इसमें कूलेंट गर्म, तो ये पूरा गर्म हो जाता है, और इससे जो फिर हवा जो ये फ़ैन खींचता है, तो जिससे हमको गर्म हवा आती है। तो देखिए, इसमें से कूलेंट भी गिरेगा, अभी है नहीं शायद इसमें, ये देखिए, ये इसमें
इसमें कूलर चलती है, तो ये हीटर का काम करता है ये वाला, तो ये उसका फ़ैन हो गया। तो पहले हम इसको खोल के इसकी साफ़ सफाई करते हैं, फिर उसके बाद, और ये जो इसका कंप्रेसर है, ये इसका कंप्रेसर है, एकदम डेड हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है, ये घूमता ही नहीं, तो इसकी भी मुझे सर्विस करनी पड़ेगी। और अगर ये एसी कन्वर्ट हो गया, सपोज़ ये कार एसी से रूम एसी में कन्वर्ट हो गया, तो एक एक चमत्कार हो जाएगा ये, तो एकदम जाम है, एकदम जाम, हिलता भी नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल है इसको ठीक करना, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, हम करेंगे इसको ठीक। तो ये कार का कंप्रेसर है, उसके बाद ये जो है ये इसमें कूलिंग कॉइल है, इसको भी हम पहले साफ़ करेंगे एक एक करके, सबकी डिटेल भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। तो ये हो गया, ये इसका कंडेंसर है, काफ़ी ख़राब हो चुका है एक्चुअली, चोक हो सकता है, लीकेज हो सकता है, कुछ आइडिया नहीं है, तो इसको भी हम मैं साफ़ करूंगा, सर्विसिंग इसका भी करेंगे, ठीक है। तो कंडेंसर है, देखिए कितना रस्ट हो गया, एकदम जंग खा चुका है, एकदम काम करेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये इसका फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन जो 12 वोल्ट से चलता है, ये एसी का बाटला जो कंडेंसर से इसमें प्रेशर से इसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, उसके लिए ये भी हम साफ़ करेंगे, ठीक है। तो ये फ़ैन हो गया, और उसके बाद में ये सब इसकी जो पाइप है, ये सब इसके पाइप है, तो सबकी सफाई करने के बाद इसको मैं कनेक्ट करूँगा। ये हो गया मेरा, सबसे पहले मैं इसकी सफाई करता हूँ, डोर निकालता हूँ, और इसकी सफाई करने के बाद ये थोड़ा जाम भी है एक्चुअली, ये एकदम फ्री घूमना चाहिए, तो ये फ्री नहीं घूम रहा है, तो इसको भी ऑयलिंग ग्रीसिंग करके हम, और ये हीटर की मुझे ज़रूरत नहीं, तो हीटर भी ये मैं निकाल लेता हूँ, तो इसको पहले साफ़ करते। और बने रहिए, जुड़े रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये कार एसी को हम रूम एसी में बनाने वाले हैं, तो देखिए कितना वर्क, कैसे वर्क करता है, नहीं करता है, चिल्ड करता है कि नहीं करता है, तो हम वीडियो में देखेंगे।
पूरा डस्ट से चौक हो गया, तो हवा फेंकेगा कैसे ये? इसको पूरा क्लीन करेंगे हम, इसको बोलते हैं कूलिंग कॉइल, ठीक है। तो इसको पूरा साफ करेंगे अभी, उसके बाद में पूरा चौक। एनीवे इसको हम साफ करते जरा। तो ये कूलिंग कॉइल भी ठीक है, साफ हो गई है। तो अभी मैं इसको इससे ज़्यादा साफ नहीं करता, क्योंकि मुझे खाली टेस्ट करना है कि रूम एसी बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो मतलब एयर तो हो सकती है क्लीन, इसमें मतलब आएगी अभी, है ना। अब मुझे इसमें लीकेज चेक करना है खाली, वो तो जब मैं कंप्रेसर में लगाऊंगा तभी पता चलेगा। उसको भी मैं पेट्रोल से साफ़ करूँगा एक बार इसको पेट्रोल से साफ़ करूँगा, ताकि इसके अंदर के जो डस्ट है वो निकल जाएगा, लीकेज है तो खुल जाएगा। तो मैं कल करता हूँ, है ना। तो अब इसको मैं सूखने देता हूँ थोड़ा, ठीक है। उसके बाद ये मुझे कंडेंसर, इसका जो है कंडेंसर साफ करना है, तो ये भी कल करते हैं, ठीक है। या इसकी जगह पे अगर मैं ये लगा दूँ तो मेरा काम करना चाहिए, जैसे मुझे छोटा सा कंडेंसर में लगा दूँ। ये बनावट तो सेम ही है, खास अंतर तो है नहीं, एक तरफ से आउटपुट है एक तरफ से इनपुट है। तो ठीक है, देखते हैं, पहले इसको लगा के देखता हूँ, नहीं तो बाद में कंडेंसर की जगह ये लगाऊँगा, ठीक है। काम और thank you.
ये घूम रहा है, इसका पिस्टन खुली नहीं घूम रही, इसके वहाँ जंग खा के सड़ गया है एकदम। कैसे होएगा यार ये,
इसमें मैग्नेटिक स्विच है एक्चुअली, जब इसको हम 12 वोल्ट करंट देते हैं तो उसमें मैग्नेट जनरेट होता है, और जिसकी वजह से ये पुली के साथ में ये पिस्टन का जो शॉफ्ट है अटैच हो जाता है, जैसे ये पुली फ्री घूम रही है। जैसे ही हम इसमें 12 वोल्ट करंट देंगे तो ये अब ये पिस्टन घूमने लगा। चलिए, तो ऑलमोस्ट मेरा पिस्टन जो है अभी ये रेडी हो गया है, और जैसा भी है मतलब अभी मैं इसमें ज़्यादा काम नहीं करने वाला हूँ, खाली इसमें अभी ये मेरा सब चालू हो गया है, सब फ्री हो गया। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल दे दूँगा, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है, वैसे यही घूम रहा है। काफ़ी मेहनत लगी इसको ठीक करने में एक्चुअली, तो देखिए बैंड भी हो गया इधर, ये देखो इधर ठोक ठोक के जब इसको किया तो जाके ये फ्री हुआ, अदरवाइज़ ये काम नहीं करता था। तो चलिए, काम तो हुआ, तो चालू तो हुआ, अभी मैं इसमें पेट्रोल डाल के इसको साफ़ करूँगा, उसके बाद में देखते हैं इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करने का है। तो मेरा चालू हो गया, इसका ऑयल का ओरिजिनल कलर है, मतलब इसका पार्ट्स घिसा नहीं है अभी, ठीक है। पूरा ऑयल निकाल देता हूँ, Thank you.
ये फ्रेम बना लिया है और सारे एसी के पार्ट्स अभी मैं इस पर फिट कर देता हूँ और उसके बाद हम इसमें गैस फिट करके पहले सारे पार्ट्स फिट कर देते हैं। पहले मैं इसमें कंप्रेसर लगा देता हूँ। हमारा कंप्रेसर फिट हो गया, अभी मैं इसमें मोटर लगा देता हूँ। ठीक है,
इसको मैं बुझा देता हूँ ताकि इसके अंदर डस्ट ना जाए। जो मोटर है ये लगा देते हैं इसमें, इसको मुझे पहले इसमें अभी मैंने इसमें सारी चीज़ें फिट कर दी है और अभी मुझे इसमें केवल कनेक्शन करना है और गैस फिट करनी है। इसके बाद मैं ये एसी अलग कर दूँगा। ये कूलिंग कॉइल है और ट्रांसफार्मर से इसको सप्लाई दिया है मैंने। अभी मैं इसको 12 वोल्ट देगा तो ये भी घूमेगा, सिस्टम भी घूमेगा। ठीक है तो मैं इसको सप्लाई देता हूँ। ये अभी इसमें ऑयल नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा चला नहीं सकता इसको, इसमें ऑयल डालने के बाद में इसको चलाऊँगा। मुझे बेल्ट भी बदलना पड़ेगा इसका। मतलब अभी इसमें ऑयल डालना है मुझे, ऑयल डालने के बाद मुझे ये बेल्ट बदलना है। बेल्ट बदलने के बाद में मैं इसकी सारी पाइपलाइन की फिटिंग करने के बाद, गैस भरने के बाद में हम इसको देखेंगे कि ये कूलिंग करता है कि नहीं करता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। तो ऑलमोस्ट मेरा अभी जो मेन मैकेनिज्म है वो चालू हो गया है और मुझे अभी खाली गैस की पाइपलाइन करनी है और गैस की पाइपलाइन करने के बाद में गैस फिलअप करना है, बेल्ट चेंज करना है ये वाला, थोड़ा टाइट कर देने का है ताकि इसमें प्रेशर आए तो ये रुके ना। अभी जैसे ये रुक रहा है अभी इसमें प्रेशर आ रहा है तो ये, अभी इसमें प्रेशर आता है तो ये रुक जाता है। ठीक है
मैं इसमें पहले ऑयल डालूंगा, अभी इसमें ऑयल नहीं है एक्चुअली, फालतू में और पिस्टन उस्टन ख़राब हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेन मैकेनिज्म मेरा तैयार हो गया है, गैस की पाइपलाइन करना है, गैस फिलअप करना है, बेल्ट चेंज करना है, ऑयल डालना है और इसके बाद मेरा एसी चालू। चालू हो गया है और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है।